आखिर भैया आईपीएल 2024 में हो गया रहा है दोस्तों, रोहित शर्मा यानी कि हिटमैन आपको पीली जर्सी में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए नजर आने वाले। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने चेन्नई का दरवाजा खटखटा दिया। दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले बड़े उलटफेर देखने को मिले और ये सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है और रोहित शर्मा खेलेंगे चेन्नई में, ऐसा क्यों हम बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में। दोस्तों मुंबई इंडियंस वाले आखिर चाहते क्या है, आखिर मुंबई को रोहित शर्मा इतने क्यों खलने लगे और एमएस धोनी ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा, हम बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप भी कट्टर सीएसके वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इससे पहले मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को अपने स्क्वाड में शामिल किया था और तभी से लगने लगा था कि दाल में कुछ काला है और हार्दिक पांड्या के आते ही मुंबई ने कैमरन ग्रीन को ऊंचे दामों पर बैंगलोर को भेज दिया। लेकिन मुंबई ऐसा करेगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जिस कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई को एक नहीं पांच पांच बार चैंपियन बनाया हो, उस कप्तान को मुंबई इंडियंस आखिर क्यों अपनी फ्रेंचाइजी से बाहर करना चाहती है। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे आईपीएल 2024 से पहले भगदड़ मची हुई है और अब रोहित शर्मा अपना नाम ऑक्शन में डालने वाले हैं। लेकिन रातों रात सीएसके फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा से कॉन्टेक्ट किया है। अगर रोहित शर्मा अपना नाम ऑक्शन में डालते हैं तो क्या चेन्नई हिटमैन रोहित शर्मा को टारगेट करेगी या नहीं, इसका तो कोई पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए एज अ प्लेयर खेलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुंबई की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि भैया हिटमैन की रेपुटेशन का सवाल है। इसके अलावा रोहित शर्मा के फैंस मुंबई इंडियंस को गालियां देने में लगे हैं। लेकिन रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनने और हार्दिक को कप्तान बनाए जाने पर आप मुंबई इंडियंस को क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हां, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।